जिला बिलासपुर के पट्टा कलर गांव में एक महिला की फंदा लगाकर हुई हत्या से गुस्साए मई के पक्ष के लोगों ने हत्या करने का संदेह जताया है तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बिलासपुर में महिला पक्ष के ग्रामीणों ने उपायुक्त राजेश्वर गोयल के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने बताया कि उन्हें 1 जुलाई को नीलम की मौत का पता सुबह लगभग 8:30 बजे किसी और से लगा। नीलम के पति दिनेश के परिवार के लोगों ने इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें नीलम की मौत की जानकारी नहीं देने के कारण उन्हें संदेह हुआ है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका नीलम के दांत टूटे हुए थे। उस रात पड़ोसियों को बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दी थी, मगर उन्होंने सामान्य घटना समझा। रस्म के अनुसार नीलम के शव को स्नान के उपरांत सिर में कंघी की गई तो एक स्थान पर उखड़े बालों का गुच्छा भी निकला। ये स्वाभाविक है कि बड़े जोर से बाल पकड़ कर उखाड़े गए थे। इस साक्ष्यों से साबित होता है कि नीलम के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर शव को ऊंचाई पर लटका दिया गया था ताकि ये आत्महत्या साबित हो। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि नीलम की हत्या किसी दूसरे कमरे में की गई थी, जबकि शव को किसी और कमरे में बड़ी ऊंचाई पर लटकाया गया था, जहां पर एक इंसान किसी सीढ़ी के सहारे के बिना नहीं पहुंच सकता है। घटनास्थल पर कोई स्टूल या सीढ़ी मौजूद नहीं थी। परिजनों के अनुसार सुसाइड नोट मृतका नीलम ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखा है, क्योंकि नीलम की लिखावट उससे मिलती नहीं है। घटना का पता चलते ही मृतका नीलम के परिजनों ने इस घटना के संबंध में तुरंत बिलासपुर सदर पुलिस को भी सूचित किया था। उसके बाद ही वे अपनी बेटी के घर गए। जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर लड़की का शव पंखे से लटका हुआ था। उन्होंने आशंका जताई कि ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उनकी बेटी को मारा गया है। श्री नैना देवी भाजपा मंडल का सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान एक अहम पहलू है। उन्होंने कहा कि संगठन के चुनाव होते हैं, उससे पहले संगठन में सदस्यता अभियान चलाया जाता है। सदस्यता अभियान भी दो तरह का होता है, एक प्राथमिक और दूसरा सक्रिय सदस्यता। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सदस्यता 6 साल की होती है। साथ ही 3 साल पहले सदस्य प्राथमिक सदस्यता अभियान पूरा किया गया था, जिसमें श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल में 3rd नंबर पर आया था और इसमें प्राथमिक सदस्य 22,130 हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी प्राथमिक सदस्य बने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़े ताकि श्री नैना देवी क्षेत्र सदस्यता अभियान में इस बार नंबर 1 पर आए। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का सदस्यता अभियान एक अहम कड़ी है और कार्यकर्ताओं को घर द्वार जाकर सदस्य बनाया जा रहा है ताकि पार्टी को और संगठन को मजबूत किया जा सके। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। शहरवासियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल
महंगाई की जड़ है और इनके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इन बढ़े हुए दामों के कारण भारतवर्ष में महंगाई बढ़ी है, इसलिए इन दामों को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि का असर भारत की जनता पर पड़ेगा, जिसकी वजह से किराया महंगा होगा, जिसके चलते भारतवर्ष में हर चीज महंगी होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वे जल्द से जल्द डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों को वापस ले, ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके।